किस तरीके के वो किए गए कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज जिला कलेक्टर के अध्यक्षता मीटिंग की गई थी। अलग अलग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मीटिंग की गई, होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की गई, जो जनप्रतिनिधि हैं वार्ड पार्षद हैं उनके साथ मीटिंग की गई। और इसका मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। जो पॉजिटिव लोग हैं होम क्वारंटाइन में हैं, उस क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित हो। बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो नेगेटिव आर टी पी सी आर लेते हैं, इस बात की सख्ती से पालना हो। और जो नाइट कर्फ्यू उसकी पालना में लोगों को सहयोग लेके साथ लेकर उनको इस चीज़ की सख्ती से पालना करें। इनकी तरफ से कोई सजेशन, कोई आपकी तरफ से नए आदेश? कुछ सुझाव आए हैं लोगों की तरफ से, वो ले लिए हैं और अभी कलेक्टर साहब से बात करके जैसे भी उन्होंने लागू कर पाएंगे। सर, नाइट कर्फ्यू को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं लोगों के अंदर, तो वो थोड़ा सा उस पर भी आप लाइट डालें कि किस तरीके से पुलिस उसकी सख्ती से पालना करवाएगी। देखिए, रात के कर्फ्यू 8 बजे से शुरू है, दुकान बंद करने का समय 8 बजे, 9 बजे तक घर पहुँचने का समय 9 बजे के बाद एम्बुलेंस के ऊपर बिल्कुल हम सब रोक लगा रहे थे। कुछ लोगों को अनुमति है जो अर्जेंटेड चीज़ें आपको अपने दस्तावेज दिखा के जा सकते हैं। 18 जगह इस चीज़ के लिए नाके हमने लगा रखे हैं। और जो लोग अनावश्यक बिना किसी कारण के घूमते मिलते हैं, कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, उसके खिलाफ लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं।